हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जेईई मेन सेशन 2 के एग्जामिनेशन में लगभग 20 दिन आपके पास बच रहा है। आपके काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी क्वेरी हमारे पास आ रही थी कि भैया अब हम इस बचे हुए टाइम में क्या करें। तो मैं सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर हम पूरे डिस्कशन करने वाले हैं कि इस बचे हुए 20 दिन को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, जिससे कि आपको एक बेस्ट मार्क्स लगभग 99% प्लस करने में आपको मदद हो सके। सारी इसके अंदर पूरे स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा। एंड टाइम पे कुछ ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कर दीजिए जिससे कि आप मेहनत तो करें बट उस मेहनत का कोई फायदा नहीं मिल सके, क्योंकि लास्ट वाली जो पढ़ाई होती है वही आपके एग्जामिनेशन हॉल में याद रहेगी और इसी पढ़ाई का इफेक्ट आपके एग्जामिनेशन पे ज्यादा होता है। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 सालों का डेटा एनालिसिस करने के बाद हम सारी वीडियो को जो है बना रहे हैं, ठीक है। सो पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही से समझ में आ सके। आपको दो चीजें तो बिल्कुल करके ही जाना है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है PYQ, और दूसरा मॉक टेस्ट आपको करके जाना है। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मॉक टेस्ट PYQ हम कहां से करें, तो मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट कहां से करना चाहिए जिससे कि आपको एक बेस्ट मार्क्स लाने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद हो सके और आप सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों का अच्छे तरीके से जो आपका रिविजन है वो हो जाए। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आने वाले हम लोग काउंसलिंग भी करने वाले हैं आने वाले समय में। आपको कॉलेज तक आप पहुंचाने का काम V2 एकेडमी कर रही है। हमारी पूरी टीम, लगभग 25 लोगों की टीम है जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। साथ ही डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़े जितने भी बच्चे हैं सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप वो काउंसलिंग तो आपके एडवांस के बाद से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे, जेईई मेन मॉक टेस्ट 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी का, बहुत ही मोटी बुक यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस पूरे बुक को कर लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मुझे देख करके काफी आश्चर्य हुआ कि सारे सिलेबस तो है ही है, उसके अलावा कौन से, यहां पे देख सकते हो कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए केमिस्ट्री का सारे चैप्टर वाइज लगभग 20 चैप्टर आपको यहां केमिस्ट्री के मिल जाते हैं, जिसके अंदर 2019 का जनवरी वाला अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन आया, तो 4 क्वेश्चन आया, यानी कि पूरा एनालिसिस कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए पूरे डिटेल में यहां पे आपको समझाया गया, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंस का आपको पता लग पाता है, और साथ में पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, और इसके अलावा इसका प्रीवियस ईयर का डेडिकेटेड जो है बुक भी आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला भी बुक परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप परचेज कर लीजिएगा। ऑनलाइन परचेज करिएगा तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला जो होती है ना वो आपको डायग्राम के साथ में समझाया भी होता है। देखो, यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे और बगल में फॉर्मूलाज आपके समझाए रहेंगे, यानी कि इस बुक को करने के बाद आपको किसी चीज का जो है ना फिर ये नहीं लगेगा कि भैया मैंने मॉक टेस्ट नहीं कर पाया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाया। बहुत ही बेहतर बुक है और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके सामने सोचा कि मैं इस बुक को बता दूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक को जाकर के परचेज कर लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम करें, अब आप लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने पे बिल्कुल भी मत जाएं। आपके पास लगभग 20 दिन का टाइम है। लास्ट के 20 दिन में आपको स्ट्रेटजी वाइज पढ़ना है। करना ऐसा है कि मान के चलिए आपके पास 20 दिन में लगभग 60 चैप्टर हैं। हालांकि चैप्टर्स ज्यादा होंगे बट हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो लगभग 40-50 चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें से भी हम मान के चलते हैं कि 60 चैप्टर अभी आप 20 दिन में लगभग 60 चैप्टर कर पाएंगे। आपके रिविजन जो चैप्टर होया हुआ है पहले से ऑलरेडी, जो पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नया पढ़ने लग जाएं, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उस चैप्टर को उठाएं, वो करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन काफी है आपके लिए, है ना। तो उसको उठाएं, एक बार रिवाइज करें, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको लगा लें, और उसके बाद फिर सैंपल पेपर जो आपको मैंने अभी बताया है वो कर लीजिए, आपके लिए इनफ होगा। ज्यादा न्यू पढ़ने पर आप फोकस ना करें अब, क्योंकि जो न्यू पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब न्यू पढ़ने पर फोकस बिल्कुल भी ना करें। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भैया 99+ परसेंटाइल करने के लिए कितने मार्क्स लेकर के आए, तो लगभग उसके लिए 175+ इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है सेशन 2 का, 175+ अगर आप करेंगे तो आप 99% जो है प्लस कर जाएंगे, बट उसके अंदर भी
आपको अगर आप 99 परसेंटाइल प्लस कर जाते हैं ना, तो एक चीज आपके लिए हो जाता है कि आपको आप सिक्योर हो जाते हैं, आपको NITs या ट्रिपल ITs तो मिल ही जाएगा, बस ब्रांचेज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको CS ब्रांच चाहिए तो 99.8 99.7 यानी कि 99.5 प्लस परसेंटाइल चाहिए टॉप के NITs में आने के लिए, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन काफी हाई है। आपको पता है लगभग 11 लाख के आसपास बच्चे इस बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिए हैं और दो दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसमें शायद बढ़ भी सकता है, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा, है ना। हालांकि जो पढ़े होंगे कंपटीशन उन्हीं में होता है, मैं मान के चलता हूँ इस बात को, बट फिर भी हमें यह भी मानना चाहिए कि बच्चे अगर अपीयर हो रहे तो उसे कंपटीशन का एक हिस्सा ही मान के चले, क्योंकि किसका प्रतिभा का पता कौन लगा पाता है ना। तो पहली बात यह है। बाकी अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आपको इस जो ये वाली बुक मैंने आपको बताया है मॉक टेस्ट वाला, इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मैंने भी दिखाया ना कि चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन 19 से लेकर के 22 तक पूरे इसके अंदर समझाया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने आए, तो वो तो पता चल ही जाएगा आपको। साथ में अगर आपका कमेंट आया तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर से उसके इसके बारे में, ताकि उसको आप करके जाएं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में काफी अच्छा स्कोर आ पाए पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से जो कुछ भी चीजें निकलकर सामने आ रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।